Hello everyone, I hope you all are good. This video is in continuation of my previous video in which I have already started chapter 1 of business studies, that is evolution and fundamental of business. I have already discussed in my previous video about economic and non-economic activity, business profession and employment, and the comparison between these three. In today's video, I will be covering the topic which are related to types of business, that is industry and commerce, and its subpart in detail. So let's begin. First, let's revise the previous video slides, then we will move forward with the next topics of this chapter. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हमारी लाइवलीहुड को रन करने के लिए करना जरूरी होता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी लाइवलीहुड को रन करने के लिए करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है क्योंकि उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड होती है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है. जबकि प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको करने के लिए स्पेशल स्किल और स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इन रिटर्न टू द एक्टिविटीज डन उन लोगों को फीस मिलती है. एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो दूसरों के लिए परफॉर्म की जाती है और इन रिटर्न वहां से रेम्यूनरेशन मिलता है. गाइज, आई थिंक नाउ दीज फाइव थिंग्स आर वेरी मच क्लियर. जो हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है वो है कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इसके जो बेसिक्स हैं ये एट, इसको याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, दैट इज क्विक एनसीईआरटी. इसमें जो क्विक पूरा वर्ड है वो क्वालिफिकेशन को डिनोट करता है. NCERT में जो N है वो नेचर ऑफ वर्क के लिए है, देन C जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट के लिए है, E जो आता है वो एस्टेब्लिशमेंट या फिर मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अपन कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए है. जो R है वो रिस्क के लिए है एंड रिटर्न के लिए है, एंड जो लास्ट T है वो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के लिए है. ऐसे हम लोगों को ये 8 पॉइंट्स जस्ट एक वर्ड से याद हो जाएंगे, दैट इज क्विक NCERT. Now we'll move forward to the next slide. These are some of the key terms of the chapter, जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमने बिजनेस क्या होता है वो पूरा पढ़ा था, बिजनेस का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था. अब बिजनेस का टाइप्स हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. बिजनेस कितने टाइप का होता है, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, देन फर्दर ऑन उनके क्या सब पार्ट्स होते हैं, वो सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे. बिजनेस एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. फर्दर इंडस्ट्री के थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. एंड कॉमर्स के टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. जो बेसिक बिजनेस का डिविजन है वो ये है. इनके बहुत सारे सब पार्ट्स भी हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. We will be starting with the first part of business, that is industry. Industry किसको बोलते हैं? इंडस्ट्री वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है जो भी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करती है. बेसिकली इन इजी टर्म्स, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती हैं, वो सब इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल करती हैं. हम इंडस्ट्री से एक बात और समझ सकते हैं, दैट इज कि जो ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है जो कि सिमिलर नेचर का काम कर रही है या फिर रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, हम उनको भी सबको अक्यूमुलेट कर इंडस्ट्री के डेफिनेशन में फॉल कराएंगे. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर वो सारी फर्म्स आती हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट प्रोड्यूस कर रही हो या किसी भी साइज में प्रोड्यूस कर रही हो, बट अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गुड प्रोड्यूस कर रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्ट बनेगी. जो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो टू टाइप्स के होते हैं, द वन इज प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स गुड, द अदर वन इज कंज्यूमर गुड. एज द नेम सजेस्ट, प्रोड्यूसर गुड वो गुड होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि मशीनरी एंड आयरन. जबकि कंज्यूमर गुड वो गुड होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, उनको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप या फिर क्लोथ्स, ये सब चीजें. जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री.
इस चैट के अंदर हम लोग इंडस्ट्रीज के जो फर्दर डिवीजन है वो देख रहे हैं। जैसे इंडस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। फर्दर प्राइमरी इंडस्ट्री के भी टू पार्ट्स हैं, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेरिक इंडस्ट्री। देन सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी टू पार्ट्स हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फोर सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, एंड लास्ट इज टर्शियरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि प्राइमरी इंडस्ट्री आफ्टर ऑल होती क्या है। प्राइमरी इंडस्ट्री दो चीजों से मिलकर बनती है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन या फिर प्रोडक्शन एंड प्लांट और एनिमल का रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये चारों एक्टिविटीज मिलकर प्राइमरी इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज को फॉर्म करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज टू पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये दोनों इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई की गई है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होगी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से डील करेगी, और जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होगी जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स से डील करेगी। सो लेट्स गो ऑन द डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल रिसोर्सेज को फ्रॉम अर्थ बाय डिगिंग इट और बाय पुलिंग इट आउट फ्रॉम समवेयर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हम फिश निकालते हैं रिवर से तो वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का पार्ट बनती है, या फिर जो मिनरल्स आते हैं अर्थ से, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, जो फर्दर उनको यूजफुल गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो कि हमारे फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री जो होती है वो प्लांट एंड एनिमल्स से रिलेटेड होती है, उनकी ब्रीडिंग से रिलेटेड होती है, और वो फर्दर रिप्रोडक्शन में काम आती है। उन जो भी प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोग चीजें यूज करते हैं या चीजें निकलती हैं, वो सब फर्दर रिप्रोडक्शन या फर्दर प्रोसेसेस में काम आती हैं। फॉर एग्जांपल जो भी सीड्स कलेक्ट होते हैं नर्सरी कंपनीज से, या फिर रियरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल ब्रीडिंग एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है हमारी वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो सारी इंडस्ट्रीज होती है जो कि रॉ मटेरियल यूज करती है जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री ने दिया है, और फिर उस रॉ मटेरियल को यूज कर कुछ गुड्स प्रोड्यूस करती है जो या तो फाइनल कंजप्शन के काम आता है या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के काम आता है दूसरी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के। फॉर एग्जाम्पल जब हम आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर फॉल करती है। लेकिन जब हम उससे स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको फर्दर प्रोसेस कर आयरन को, तो वो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के डेफिनेशन में फॉल करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज टू टाइप्स की होती है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल से गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, सच एज ट्रांसपोर्ट, फर्नीचर एक्सेट्रा। वो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनको या तो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर वो रॉ मटेरियल से पार्टली फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फर्दर प्रोसेसेस करके फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि होली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड, केनाल्स, टनल्स, ये सब चीजें। इन इस इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनमें काफी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ब्रिजेस और रोड्स और ये सब बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, तो इसके लिए काफी नॉलेज होना ऑलरेडी जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को फर्दर फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि एक सेम मटेरियल में से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को एनालाइज कर सेपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी के अंदर जब हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑयल एक सेम मटेरियल है जिसके अंदर काफी अलग अलग एलिमेंट्स मिक्स होते हैं। उन अलग अलग एलिमेंट्स को जो ऑयल रिफाइनरी के एम्प्लॉयज होते हैं वो एनालाइज करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं, क्योंकि एक ऑयल से काफी चीजें निकल कर आती है, बी इट बी पेट्रोल, बी इट बी डीजल, एनीथिंग इट कैन बी। जो सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनको कंबाइन कर एक मटेरियल को फॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट।
सीमेंट के अंदर क्या होता है, एक ही चीज नहीं होता है, सीमेंट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिक्स करना पड़ता है, तब जाके वो सीमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्क्रीट, सेंड, ये सब एलिमेंट्स हम जब मिक्स करते हैं तो सीमेंट फॉर्म होता है। बेसिकली जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन किया जाता है तो एक न्यू प्रोडक्ट निकल के आता है जिसे हम सिंथेटिकल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं। द थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर एज द नेम सजेस्ट प्रोसेस, मतलब सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है टू गेन द एंड रिजल्ट और टू मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड। हम लोग स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री करके चलना पड़ता है, हम डायरेक्ट स्टेप वन से स्टेप थ्री पर नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग का वो जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर या फिर पेपर मिल होती है, वो उनका जो प्रोसेसेस होता है वो डिसाइडेड होता है कि वो लोग को फर्स्ट क्या करना है, देन उनका सेकेंड क्या होगा, देन उनका थर्ड क्या होगा, उस हिसाब से जब स्टेजेस को फॉलो किया जाता है तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है। द लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में वो होता है, ये लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बट ये लोग डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग जगह से असेंबल करते हैं, अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं, लेकर आते हैं और उनसे एक नया ही कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, कार, कंप्यूटर। अब कार के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सब वो कंपनी, जैसे सपोज होंडा है, तो होंडा की जो कार्स है वो सारी जो इंजन है या फिर जो उसका स्टेयरिंग है वो सब चीजें एक कंपनी नहीं बनाती है, वो सब चेंज होता रहता है और वो सब अलग अलग जगह से लेकर आते हैं और उन सबको कॉम्पैक्ट कर एक न्यू प्रोडक्ट होंडा कंपनी फॉर्म करती है। जो लास्ट इंडस्ट्री है हमारी वो है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री बेसिकली सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, एज वेल एज जो भी एक्टिविटीज होती है ट्रेड से रिलेटेड वो सबको। इसको इसीलिए हम कई बार सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज होती है जैसे कि वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, ये सारी चीजें टर्शियरी इंडस्ट्रीज के अंदर फॉर्म होती है। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है टर्शियरी इंडस्ट्री, क्योंकि प्राइमरी अपना गुड्स बना लेगा, सेकेंडरी को प्रोवाइड कैसे करेगा अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और सेकेंडरी फिनिश गुड्स को कैसे दे पाएगी कंज्यूमर तक अगर उसके पास स्टोरेज का फैसिलिटी या फिर वेयर हाउसिंग का फैसिलिटी नहीं होगा। इसलिए टर्शियरी इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो सपोर्ट करती है सारी ट्रेड की जो भी एक्टिविटीज है उसको, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को, और इनको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज जो होता है उसको हम एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसे कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ट्रेड को सपोर्ट करती है, वैसे ही टर्शियरी इंडस्ट्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, और कई बार टर्शियरी इंडस्ट्री को हम लोग कॉमर्स का पार्ट भी कंसिडर कर लेते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को या फिर रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स को। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर के। द नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। जो भी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होकर आता है वो हम लोग नेक्स्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, या तो उसका कंस्ट्रक्शन होता है या उसका रिफाइनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल कार मैन्युफैक्चर, स्टील वर्कर, ड्रेस मेकर्स, बिल्डर, ये सब सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल, सेकेंडरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल होते हैं। द लास्ट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर दोनों सेक्टर्स जो है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, उसको हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग इट्स सर्विसेज, जो कि है लीगल सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, अकाउंटिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब चीजें। बिजनेस का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉमर्स, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स वो सारी एक्टिविटीज से मिलकर बनता है जो कि नेसेसरी होती है फॉर सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो उसे बेचा जाए, या तो उसे किसी और को दिया जाए, या फिर उसको किसी से एक्सचेंज किया जाए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो हम लोग वो एक्टिविटीज को कॉमर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। कॉमर्स बेसिकली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, और ये वो सारी सर्विसेज को इंक्लूड करता है जो कि उन दोनों को इजी ट्रेड में हेल्प करते हैं। कॉमर्स एंश्योर करता है कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट प्लेस पर हो, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं इन बिटवीन प्रोवाइडिंग की वो जो कंज्यूमर तक पहुंचे प्रोड्यूसर से गुड्स, वो सारे ऑब्स्टेकल्स को वो मिटाने की कोशिश करता है
These obstacles can be in form of person, place, time, risk, finance, and information. There are two types of commerce, that is trade and auxiliaries to trade. In this chart, we can see that there are two types of commerce, that is trade and auxiliaries to trade. Then further, the subpart for the trade is internal trade and external trade. Internal trade can be two parts, that is wholesale and retail. And external trade has three parts, that is import, export, and interport. Auxiliaries to trade has five parts, that is transport, warehousing, insurance, banking and finance, and advertising. Now we'll study the first part of commerce, that is trade. Trade ka kya meaning hota hai, wo sab hum padhenge. Trade include all those activities jo ki buying and selling of goods and services se related hoti hai. Trade ka jo major aim hota hai, wo hota hai to earn profit. ये हेल्प करता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक बिना किसी हिंड्रेंसेस के पहुंच जाए, बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाए, और जितने भी बीच के अंदर पर्सन से रिलेटेड हिंड्रेंसेस आते हैं वो ये सॉल्व कर देता है, क्योंकि ये लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के अंदर. ट्रेड को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड वो होता है जो कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री के अंदर अंदर होता है. बेसिकली एक कंट्री के अंदर अंदर जितने भी बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो सब इंटरनल ट्रेड कहलाती है. इंटरनल ट्रेड को हम डोमेस्टिक और होम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं. ये टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड वो होता है जिसमें गुड्स परचेज एंड सेल किया जाता है लार्जर क्वांटिटीज के अंदर, और जो होलसेलर्स होते हैं वो लार्ज स्टॉक मेंटेन करते हैं गुड्स का. जबकि जो रिटेल ट्रेड होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज के अंदर परचेज एंड सेल की जाती है, और ये फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होती है कंज्यूमर्स के. रिटेलर्स जो होते हैं वो पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाकर रखते हैं जो कि उन लोगों के अल्टीमेट बायर्स होते हैं उनके साथ. अब जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेड है वो है एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं. एक्सटर्नल ट्रेड वो होता है जो किसी भी दो पर्सन या दो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं उनके बीच में होता है. बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान जो कि एक कंट्री का है टू द अदर पर्सन हु इज लिविंग इन अनदर कंट्री, उनके बीच में होता है, वो एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है. एक्सटर्नल की ट्रेड जो होता है वो थ्री टाइप्स का होता है, दैट इज इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड वो होता है जिसके अंदर कि हम परचेज करते हैं दूसरी कंट्री से गुड्स को. जैसे कि इंडिया ने परचेज किया गुड्स रशिया से, तो वो एक इंडिया का इम्पोर्ट ट्रेड हुआ. द नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड वो होता है जो कि हम किसी दूसरी कंट्री को सेल करते हैं गुड्स. बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने जापान को गुड्स बेचे तो वो उसका एक्सपोर्ट ट्रेड होता है. द लास्ट वन इज एंटरप्रोट ट्रेड. एंटरप्रोट ट्रेड के अंदर क्या होता है, हम किसी कंट्री से गुड्स इम्पोर्ट करते हैं जस्ट फॉर द सेक टू एक्सपोर्ट इट टू सम अदर कंट्री. हम उसको इम्पोर्ट कर उसको वापस से एक्सपोर्ट कर देते हैं किसी और कंट्री को. फॉर एग्जाम्पल हमने जो रशिया से गुड्स परचेज किया था वो हम जापान को वापस से सोल्ड कर देते हैं. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रोट ट्रेड. नेक्स्ट पार्ट है कॉमर्स का, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ये असिस्ट करता है ट्रेड को. इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आती है जो भी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फैसिलेट करती है, उनको हेल्प करती है, उनको एक अपग्रेड करती है. दीज एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्ड एज सर्विसेज. हम इन एक्टिविटीज को सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं. ये कौन सी एक्टिविटीज होती है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब. ऑक्सिलरीज को इंटीग्रल पार्ट माना जाता है कॉमर्स का. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाई यू कैन से दैट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स. द रीजन इज बिकॉज ये हेल्प करता है जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में, उन सबको रिमूव करने में. प्लस ये फैसिलेट करता है जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, स्टोरेज होता है, फाइनेंसिंग होता है, इन सब चीजों को, ताकि इजीली गुड्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाए. द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव
प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जिससे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव कर सकें। क्या होता है, गुड्स जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है पर्टिकुलर लोकेशन पे, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है कि अब उस लोकेशन से बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तक उस गुड को कैसे पहुंचाया जाए। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो हेल्प करता है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाए ताकि उसका प्रोडक्शन हो गया और वो फिनिश गुड्स कंज्यूमर तक फर्दर पहुंच जाए। अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वो पहुंच नहीं पाती है। तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है कि जो ट्रेडर और कंज्यूमर है वो आपस में बात कर लें और चीजों को सॉर्ट आउट कर लें थ्रू पोस्टल सर्विसेज या फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन। इससे उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट हो जाता है और एक इजी गोइंग ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता है। पार्ट ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू कंडक्ट कि उन लोगों के पास फंड्स अवेलेबल हो जिससे कि वो लोग असेट्स को एक्वायर कर सकें, रॉ मटेरियल परचेज कर सकें, या जो उनके डेली डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट कर सकें। तो ये जो नेसेसिटी होती है फंड्स की, वो बैंक प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को। दस जो बैंकिंग होता है वो हेल्प करता है जो ऑब्स्टेकल ऑफ फाइनेंस होता है उसको ओवरकम करने के लिए। कमर्शियल बैंक जो होता है वो मनी लेंड करता है बिजनेसमैन को ताकि वो लोग जो है उनका ये सब एक्वायर कर सके। प्लस जो मनी लेंड होता है उनको किस 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 फॉर्म में होता है, बाय प्रोवाइडिंग देम ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट फैसिलिटी या फिर लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक ऑल्सो अंडरटेक्स कलेक्शन ऑफ चेक, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से वो लोग फंड को रेमिट कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं बिल्स को ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स। इवन इन फॉरेन ट्रेड जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक्सपोर्टर से मनी कलेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कि बिजनेस में काफी तरह की रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का, दैट इज इंश्योरेंस। दिस हेल्प्स बिजनेस टू ओवरकम दोज बिजनेस रिस्क। हाउ? फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। मटीरियल इन गुड्स हेल्ड इन स्टॉक या फिर इन ट्रांजिट जो होता है उनका रिस्क जो होता है कि वो लोग घूम जाएंगे या फिर डैमेज हो जाएंगे या किसी दिन अपसलीट हो जाएंगे, उसके लिए इंश्योरेंस काफी हेल्प करता है। द लास्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयज के लिए भी इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कई रिस्क और एक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्यूपेशन के टाइम पे उन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई हैज़ार्डियस चीजें हो जाती हैं एम्प्लॉयज को, तो उन लोगों के लिए भी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। दस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल द केसेस। एक नॉमिनल प्रीमियम का अमाउंट पे करना होता है कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, और वो पूरा जो डैमेज होता है उसका कॉम्पनसेशन पूरा इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो दे देती है। नेक्स्ट पार्ट इज वेयर हाउसिंग। व्हाट हैपेंस समटाइम्स, जो गुड्स होता है वो बहुत बल्क क्वांटिटी में बनता है। अब वो सारा का सारा जो होता है वो कंज्यूमर एक ही दिन में कंज्यूम तो नहीं कर सकता, तो उसको पूरा हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बार में पूरा का पूरा हम रिटेलर को या होलसेलर को सेंड कर दें। तो क्या होता है, हम लोगों को वेयर हाउसेस में उस गुड्स को रखना पड़ता है सेफली ताकि वो खराब ना हो और वो तब काम आ सके जब कंज्यूमर्स को उसकी जरूरत है। जो स्टोरेज एंड फैसिलिटीज का प्रॉब्लम होता है, वेयर हाउसिंग हेल्प करता है उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो कि बिजनेस फर्म्स को फेस करना पड़ता है। वेयर हाउसिंग में वो लोग आराम से अपना गुड्स स्टोर कर सकते हैं और जब कंज्यूमर्स को उसकी जरूरत होती है वैसे वैसे वो वहां से निकाल कर और उनको सेल कर सकते हैं। तो जब बेसिकली कंज्यूमर्स को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब उन लोगों को उसकी जरूरत होती है, उस अकॉर्डिंग वो गुड्स जो होता है वो बिजनेसमैन अपने वेयर हाउसेस में से निकाल कर उनको सेल कर देता है। इससे क्या होता है, जो सबसे मेन एडवांटेज होता है वो होता है कि प्राइसेस जो होते हैं वो हमेशा रीजनेबल लेवल पे मेंटेन रखते हैं क्योंकि डिमांड और सप्लाई जो होता है वो दोनों बराबर चलता है। क्योंकि क्या होता है कि अभी कंज्यूमर का डिमांड नहीं है बट हम उन्हें सप्लाई करते जाएंगे तो इट विल इफेक्ट द प्राइस। सिमिलरली वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर हम लोग उनको सप्लाई नहीं कर रहे और वो डिमांड करते जा रहे हैं तो भी प्राइस पे इफेक्ट होता है। इसलिए वेयर हाउसिंग
is very important to maintain a reasonable level of price by continuously supplying goods and services. The fifth and the last part of auxiliaries to trade, and indeed very important method of auxiliaries to trade, is advertising. Advertising help करता है sale of goods के, sale of products के promotion को. वो help करता है कि ज्यादा से ज्यादा sell हो पाए जो goods हैं किसी businessman के, वो consumer तक पहुंच पाए. होता क्या है कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है एक कंपनी, वो कंपनी बिग भी हो सकता है, वो कंपनी स्मॉल भी हो सकता है, और वो कंपनी उस लोकेलिटी के लिए तो नोन है, बट बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए वो नोन नहीं है. तो इट्स वेरी नेसेसरी कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू उनका सेल्स प्रमोशन होता है, या उनको एडवर्टाइजिंग करने को मिलता है कि ये भी एक ब्रांड है या ये भी एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जो कि अवेलेबल है मार्केट के अंदर. इससे कंज्यूमर्स को पता लगता है कि ये चीज भी अवेलेबल है, तो वो इस चीज को भी बाय कर सकते हैं. दस जो एडवर्टाइजिंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स का प्रमोशन करने के लिए. उनके फीचर्स बताता है, उनका प्राइस बताता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है प्रोडक्ट, वो बताता है ताकि जो पोटेंशियल बायर्स है उस तक वो प्रोडक्ट पहुंच पाए. एट द सेम टाइम एडवर्टाइजिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है, जो भी कंज्यूमर बाय करना चाहता है. वो पैकेजिंग के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है, लाइक इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, ये सब चीजें. दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन मोर ब्रॉडर टर्म, नोइंग इट्स टाइप्स दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. Then knowing their type, that is primary industry, secondary industry, tertiary industry, trade and auxiliaries to trade, and their subparts as well. I hope this video helped you in your studies. If you have any query related to the video, then you can write in the comment section. Thanks for watching, and please like, share and subscribe to our channel. Bye bye.